शैतवान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गयूर अब्बास एंड आई एम योर मैकेनिक्स टीचर। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटिविस्टिक मास। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी हैव टू मीनिंग्स ऑफ मास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर मास और रेस्ट मास। हम इस प्रॉपर मास या रेस्ट मास को एज इनवेरिएंट मास भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसा मास जो डिफरेंट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज ना हो, उसका मास जो हो वो रेस्ट पे हो, तो हम उसको क्या कहते होते हैं, रेस्ट मास का कह देते हैं या फिर प्रॉपर मास का नाम दे देते हैं। इसको हम एम नॉट से डिनोट करते होते हैं। हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वर होता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब वो रेस्ट पे हो तो हमारे पास क्या होता है कि आप जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हो, तो हमारे पास वो भी अगर रेस्ट पे हो तो इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास जो मास होता है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है और हमारे पास वो सेम रहता है ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस ऑब्जर्वर और जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं पाया जाता। उसमें जो हमारे पास मास होगा उसको हम रेस्ट मास का नाम देते हैं, प्रॉपर मास का नाम देते हैं या फिर इनवेरिएंट मास का नाम देते हैं। इन अदर मीनिंग हम दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है उसको हम कहते होते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास में हमारे पास क्या होता है कि इसको पहले हम डिनोट अगर करना चाहें तो हम सिंपल स्मॉल एम से डिनोट करते होते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा हमारे पास अगेन क्या होता है, एट रेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो किसी भी वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा होगा इन सर्टेन डायरेक्शन। अब हमारे पास जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होता है, जो कि आप कह सकते हो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तब हमारे पास कोई भी वेलोसिटी वी से वो अप्रोच करके मूव कर रहा होता है इन सर्टेन डायरेक्शन। अब हमारे पास क्या है कि एक मास है वो विद वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास आपकी वेलोसिटी के इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास जो मास एम है वो क्या हुआ कि इनवेरिएंट नहीं रहा। वो जैसे जैसे मोमेंटम चेंज होता है वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है कि मास भी अब रिलेटिविस्टिक हो गया है, मतलब इनवेरिएंट नहीं रहा, वो वेरिएंट होगा, टाइम टू टाइम हमारे पास चेंज होगा, इसलिए हम इसको रिलेटिविस्टिक मास का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान हमारे पास एक रिलेटिव मोशन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास अब मास सिंपल रेस्ट मास, प्रॉपर मास या इनवेरिएंट मास नहीं रहा, वो अब रिलेटिविस्टिक हो गया और वेरिएंट मास बन चुका है। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अगर हम इन दोनों को इन अदर वर्ड्स मतलब एनर्जी और मास की इक्वेशन में लिखना चाहें, तो अगर हम फॉर एम नॉट, अगर प्रॉपर मास के लिए हम इक्वेशन को एनर्जी मास इक्वेशन को लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास ओ जो है हमारे पास यहाँ पे रेस्ट चीज़ को जो हमारे पास प्रॉपर है एनर्जी उसको शो कर रहा है कि हमारे पास ऑब्जर्वर और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों किस पे हैं, रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नॉट लगाया गया। इसी तरह हमारे पास अगर हम दूसरी तरह देखें कि रिलेटिविस्टिक मास के लिए फॉर एम के लिए हमारे पास यही एनर्जी मास रिलेशन क्या बनेगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास एनर्जी मास इक्विवेलेंसेस के लिए, फॉर प्रॉपर मास एंड फॉर रिलेटिविस्टिक मास। First of all, we will consider an object that having mass m. We will apply a force on this mass and will cover some distance of d r in any certain direction. जब हम किसी object के ऊपर कोई force लगाते हैं, लगा के बाद उसमें कोई ना कोई distance travel करना होता है किसी भी certain direction के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस पर जो हमने force लगाई और हम उसने जो distance travel किया in any direction, वो हमारे पास बल क्या बता रहा है, हमारे पास यहाँ पे W is equal to F into d r है। हमारे पास फर्दर
दो तरह से हमारे पास इक्वेशन होती है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी होती है, इन टर्म्स ऑफ मास भी होती है। तो फोर्स हमारे पास एम ए के बराबर भी है और फोर्स हमारे पास चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर भी है। ये भी आसान समझा सकते हैं, ये भी आप जिसको ज्यादा फॉलो करना चाहें इन दोनों में से आप एक प्रोसेस को फॉलो करवा सकते हैं। यहाँ पर एफ इक्वल एम नॉट है, एम हमारे पास वैसे वैसे आ जाता है, ए हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, तो यहाँ हमने डी वी और डी टी लिखे और ये डी 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 आर वैसे के वैसे आ गए। उसके बाद हम फर्दर करते हैं, हमारे पास क्या करके हम डी और डी टू को बाहर लेते हैं, एम इन टू बी जो हमारे पास है हम अलग से लिख लेते हैं ताकि हम उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। लॉग ऑफ नेचर लॉग ऑफ एम आ जाएगा, तो एम नॉट आएगा, तो हम अपने नेचर लॉग ऑफ
एम नॉट ए। इस तरह मतलब भी है, हम ये करते हैं हमारे पास जब हम वी इनपुट करते हैं तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जब जीरो पुट करेंगे वी की जगह तो सारा टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी और हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वन बच जाएगा। और नेचुरल लॉग ऑफ वन आपको पता है किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। इसके बाद हम फर्दर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको पता था हूँ नेचर लॉग ऑफ माइनस वन पावर से नेचर भी लिख सकते हैं, तो आप ये टर्म हम वैसे के वैसे लिख देते हैं। इधर है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए। अब हम नेचर लॉग में क्या करता है कि इसको जो हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज होती है उसको हम पावर बना सकते हैं, तभी इसलिए हमने इसको माइनस वन बाय टू पावर बना लिया। उसके बाद फर्दर हमने दोनों साइड पे जो नेचर लॉग है वो कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास इक्वेशन सिंपल बन गई। इसके बाद हम क्या करते हैं कि माइनस वन बाय टू हमारे पास अंडर रूट के बराबर आता है, माइनस वन बाय टू के लिए हमारे पास अंडर रूट जो होगा वो वन ओवर वन माइनस स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद हम एम नॉट को उधर जाकर मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर आ जाएगी। और यहाँ हमारे पास जो एम है इसको हम मतलब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बन सकती है रिलेटिव मास। ये फाइनल इक्वेशन है एम इक्वल एम नॉट ओवर वन माइनस सी स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर अंडर रूट या फिर गामा एम नॉट, जो गामा था हमारे पास वो बराबर होता है वन माइनस पी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और हमारे पास जो गामा होता है ये हमेशा ग्रेटर देन वन के बराबर होता है। अगर हमारे पास गामा जो है वन के से ग्रेटर होता है हमेशा, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं हमारे पास जो एम होगा रिलेटिविस्टिक मास वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, एम नॉट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट वी हैव टू ऑब्टेन। इसको अच्छे से पढ़ें, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी।